एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ईसीजी के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद आप ईसीजी इंटरप्रिटेशन पे स्विच करिएगा। तो ये कार्डियक फिजियोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्डियक एक्शन पोटेंशियल की बात करी थी, फिर सेकेंड लेक्चर में हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था ईसीजी का, और आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप ईसीजी के बारे में जान लीजिए कि ईसीजी है क्या। तो ईसीजी क्या होता है कि बेसिकली रिकॉर्ड्स हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, मीनिंग कि जो हमारे हार्ट में जो भी एक्शन पोटेंशियल्स या फिर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो रहे हैं, जो हार्ट बीट इलेक्ट्रिकल इवेंट्स के थ्रू जनरेट हो रही है, उसी को रिकॉर्ड ईसीजी के थ्रू जो है किया जाता है, या जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, उसी की रिकॉर्डिंग जो है वो ईसीजी कहलाती है। नेक्स्ट क्या है कि ईसीजी आप क्यों करते हैं। ईसीजी अगर आपको हार्ट में हार्ट इनलार्जमेंट जैसा अगर कोई इश्यू है, डैमेज है, चेस्ट में पेन है, तो इस तरीके की एबनॉर्मेलिटीज भी आप ईसीजी के थ्रू ही डिटेक्ट करते हैं। थर्ड क्या है, जो ईसीजी है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को एंड रिपोलराइजेशन को। ठीक, तो क्या है, एट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। यहाँ पर मैंने एट्रिकल रिपोलराइजेशन मेंशन नहीं करा है, तो वो क्यों नहीं करा है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे देती हूँ कि अगर आप ईसीजी में देखेंगे तो एट्रियल रिपोलराइजेशन की एक्टिविटी ईसीजी सेंस नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है, उसके बाद जैसे एट्रियल रिलैक्स स्टेज में जाता है या रिपोलराइजेशन की स्टेज में जाता है, पैरेलली आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। और ये इवेंट इतना लार्ज होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि जो आपका एट्रियल रिपोलराइजेशन का इवेंट है वो दब के रह जाता है। तो उस वजह से ईसीजी उसे सेंस नहीं करती है, लेकिन वो होता जरूर है। तो ईसीजी में मेजर थ्री इवेंट को सेंस किया जाता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है कि एबनॉर्मल वेव साइज जो है, अब जब आप ईसीजी का मैं आपको अभी डायग्राम बनाऊंगी या ईसीजी जैसे हम इंटरप्रिटेट करेंगे, तो उसमें बहुत सारी वेव्स होती हैं, जैसे पी वेव, क्यू वेव, पी क्यू आर एस टी, ये सारी वेव्स होती हैं। तो ये जो वेव्स होती हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन में उनका एक रेशियो होता है कि कितना जाना है, कितना नीचे, कैसे डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, लेकिन जैसे ही इन वेव्स में एनलार्जमेंट होता है तो वो हार्ट के एबनॉर्मेलिटी या हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्या है, कुछ टाइम इंटरवल्स होते हैं, जैसे PR होते हैं, QT होते हैं, तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन आप ECG में जान लीजिए कि एक तो वेव्स होती हैं, टाइम इंटरवल्स होते हैं एंड सेगमेंट्स होते हैं। तो जो आपका ST सेगमेंट है, रिफ्लेक्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड कैन शो इश्यूज। तो जो आपका ST सेगमेंट होता है, ST सेगमेंट बेसिकली दिखाता है कि आपके वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, और वो शो करता है यदि उसमें किसी तरीके की कोई एबनॉर्मेलिटीज है तो वो आपकी हार्ट की एबनॉर्मेलिटी के बारे में डिटेक्ट करता है। अब ये सेगमेंट्स क्या हैं, वेव्स क्या हैं, ये बिल्कुल थोड़ी देर बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, तो परेशान बिल्कुल मत होना। अब ये जो है, ये डायग्राम है बेसिकली ईसीजी मशीन का। तो ये आपकी मशीन है और ये आपके ग्राफिक्स होते हैं, बेसिकली एक पेपर होता है, और जैसे जैसे आपकी हार्ट बीट या जो आपकी डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन की एक्टिविटी चलेगी, उसी तरीके से ये वेव्स जो हैं एक पेपर ग्राफ पे ड्रॉ होती जाती हैं। तो जब अभी मैं आपको ईसीजी का पूरा हमारा ये इंटरप्रिटेशन खत्म होगा तो लास्ट में मैं ये आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ईसीजी है वो बेसिकली क्या है, डिपोलराइजेशन एंड जो रिपोलराइजेशन इवेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हैं आपके हार्ट के, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो उन इवेंट्स का कोई सीक्वेंस भी होगा कि पहले कहाँ डिपोलराइजेशन होगा, फिर कहाँ होगा, फिर कहाँ होगा, तो वही सीक्वेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो हार्ट में क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, मीनिंग की जो हमारी एक्शन पोटेंशियल वाली क्लास थी, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल की, मैंने उसमें आपको ये सीक्वेंस डायग्राम के फॉर्म में बताया था, अगर आपको याद, अगर नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, मैं उसको रिवाइज कराती हूँ। पहला क्या है, SA नोड। अब होता क्या है, जब हमारा हार्ट रेस्टिंग स्टेज में होता है,
कोई इलेक्ट्रिकल इवेंट नहीं चल रहा होता है, और सडन फिर पहले इलेक्ट्रिकल इवेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, ऐसे नोड से। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ऐसे नोड में ऑटोजेनेसिटीज होती हैं, मायोजेनिक इन नेचर होता है, वो खुद का अपना एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है या जनरेट करता है। तो ये जो ऐसे नोड है ये लोकेटेड कहाँ होता है, ये होता है आपके राइट एट्रियम में, जो अपर साइड होता है राइट एट्रियम का, वहाँ पर ये लोकेटेड होता है। ये नेचुरल पेस मेकर है हमारे हार्ट का, और इनिशिएट करता है हार्ट बीट को, एक्शन पोटेंशियल्स को। नेक्स्ट क्या है, अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से हो गया शुरू, अब ये स्प्रेड होगा, स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन। तो एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द एसए नोड कम्युनिकेट क्विकली थ्रू द गैप जंक्शंस। अगर आपको याद हो, मैंने कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में आपको बताया था कि जो आपकी नोडल सेल्स में एक्शन पोटेंशियल होता है, वहां पर जो डिफ्यूजन होता है आयन का, कौन से आयन से, कैल्शियम आयन से, वो कैल्शियम आयन आपकी गैप जंक्शंस के थ्रू ही एक सेल से दूसरी नोडल सेल्स में जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल को कैरी करते हैं। फिर क्या आएगा, पहला जो आपका इवेंट होता है दैट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन। ऐसे नोड ने जैसे ही फायर करा, तो ऐसे नोड प्रेजेंट कहाँ है, आपकी राइट एट्रियम में, तो एट्रिया को सबसे पहले ये डीपोलराइज्ड करता है, ठीक है। तो ये डीपोलराइज्ड होता है और सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होता है, मीनिंग ये लेफ्ट को भी करेगा प्लस में राइट एट्रियम को भी करेगा। अभी डायग्राम के फॉर्म में पूरा समझ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट में कैसे जा रहा है, लेफ्ट में कैसे जा रहा है। नेक्स्ट फिर क्या होगा कि ऐसे नोड से आया, इसने एट्रियम को डिपोलराइज करा, फिर ये पहुंच जाता है आपके एबी नोड में। एबी नोड आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, एबी नोड बेस लाइन जो रहती है, जो आपकी एट्रिया है वहां की जो बेस लाइन होती है वहां पर प्रेजेंट होता है, और ये मीडिएटर होता है बिटवीन आपके एट्रियम एंड वेंट्रिकल का। मतलब एट्रिया से जो भी आपका सिग्नल वेंट्रिकल तक जाना है वो किसके थ्रू जाता है, एबी नोड के थ्रू जाता है। और ये जो है ये डिले सिग्नल हो रहा है, इंश्योरिंग द एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन। अब एक चीज और जान लीजिए, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो आपकी नोडल सेल्स होती हैं, जो नोडल एक्शन पोटेंशियल होता है वो बेसिकली स्लो एक्शन पोटेंशियल होता है। क्यों, उसके काफी सारे रीजंस होते हैं। एक तो उसमें कैल्शियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स का एक्टिवेशन होता है, लेकिन जब हम नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल की, जैसे न्यूरॉन सेल्स या मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो उसमें वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स का होता था। तो आपकी जो एवी नोड है ये स्लो कंडक्टर होते हैं। ये क्यों होता है ये मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगी, अभी आप बस आप इतना जान लीजिए कि ये इसीलिए स्लो कंडक्टर है क्योंकि इसको इंश्योर करना है कि पहले एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन हो, उसके बाद ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन करेगा। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया एवी नोड जो है वो मीडिएटर है आपके एट्रिया का एंड वेंट्रिकल का। तो जब तक एट्रिया प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्सिंग स्टेज की तरफ नहीं जाएगा, तब तक वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है। तो ये इंश्योर करता है, इसीलिए कंडक्टेंस जो है वो स्लो होगा। क्यों, जब तक एट्रिया आराम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए फिर ये कंडक्टेंस लेके आएगा आपके वेंट्रिकल तक। फिर नेक्स्ट क्या है, बंडल ऑफ हिज। तो जैसे ही आपका ये एवी नोड से सिग्नलिंग आती है आपकी बंडल ऑफ हिज में, ये जो बंडल ऑफ हिज है ये प्रेजेंट होते हैं आपके वेंट्रिकल पार्ट में। तो वेंट्रिकल पार्ट में सबसे पहले सिग्नल ट्रांसफर होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में बंडल ऑफ हिज के थ्रू, ठीक है। क्योंकि जो आपका वेंट्रिकल होता है वहां पर थ्री टाइप का डिपोलराइजेशन होता है। एक तो सेप्टम वेंट्रिकुलर सेप्टम डिपोलराइजेशन, सेकंड होता है आपका मेजर डिपोलराइजेशन दैट इज आल्सो कॉल्ड एपिकल डिपोलराइजेशन, एंड नेक्स्ट इज वेसल डिपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल में थ्री डिपोलराइजेशन है, तो पहला डिपोलराइजेशन क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिपोलराइजेशन। तो पहली सिग्नलिंग कहाँ जाएगी, सेप्टम में जाएगी। अब सेप्टम क्या है वो सब आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा, अभी जो लिखा हुआ है बस उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रख लो क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन का आगे हम इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका, बंडल ब्रांचेस, क्योंकि अब सिग्नलिंग एवी नोड से कहाँ आ गया है, बंडल हिज में आ गया। फिर बंडल ब्रांचेस हैं, दो बंडल ब्रांचेस क्यों हैं, क्योंकि आपके पास दो वेंट्रिकल हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। तो राइट साइड की बंडल ब्रांच आपके राइट साइड के पोर्शन है जो वेंट्रिकल उसको डिपोलराइज्ड करेगी, एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को डिपोलराइज्ड करेगी। और फिर आते हैं आपके फुरकिंजे फाइबर। ये जो फुरकिंजे फाइबर होते हैं ये फास्ट कम्युनिकेटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल के फास्ट कम्युनिकेटिंग या फास्ट कंडक्टेंस को कंडक्ट करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो आपके फुरकिंजे फाइबर है, पहली चीज तो ये है कि वो नोडल सेल्स नहीं है,
क्योंकि नोडल सेल्स आपके एसए और एबी नोड में ही पाई जाती है, तो पुर्किंजिव जो सेल्स होती हैं वो लार्ज सेल्स होती हैं, इनका डायामीटर ज़्यादा होता है, डायामीटर ज़्यादा होता है तो ये एक्शन पोटेंशियल को कम रेजिस्ट करती हैं और एक्शन पोटेंशियल को प्रॉपर होने देती हैं। पहली चीज़, यहाँ पर सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, और भी इसका यह है कि डायमीटर बड़ा होने की वजह से रेजिस्टेंस कम करता है, प्लस वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स होने की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, डीपोलराइजेशन ज़्यादा होता है। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि ये किस तरीके से और कंडक्टेंस को क्रिएट करता है। तो ये आप समझ गए, ये सीक्वेंस है, पहले आएगा आपके ए बी नोड ऐसे नोड में आएगा, फिर आएगा, ये तो एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ सीक्वेंस में ऐसे नोड, फिर जाएगा ए बी नोड में, फिर बंडल ब्रांचेस में जाए, बंडल हिज में जाएगा, देन जाएगा बंडल ब्रांचेस में। अब ये आप डायग्राम के थ्रू भी देख लीजिए, ये डायग्राम मैंने प्रीवियसली भी आपको दिखाया था। फर्स्ट क्या है, ऐसे नोड फायर करेगा, सेकेंड आपका ए बी नोड में सिग्नलिंग जाएगी, थर्ड आएगा आपका बंडल ऑफ हिज में, फिर आपका बंडल ब्रांचेस में जाएगा, और फाइनली आपका पुर्किंजे फाइबर में जाके ये इस तरीके से वेंट्रिकुलर को डिपोलराइज्ड करता है, और यहाँ पर ऐसे नोड के थ्रू ही आपका एट्रियम रीजन जो है, राइट एंड लेफ्ट बोथ एट्रियम जो है आपके डिपोलराइज्ड हो जाते हैं। तो ये तो हो गए सीक्वेंसिंग की बात। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्मेशन की। अब जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी कि वेक्टर बेसिकली क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आपका डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन में चार्ज का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है। हम यहाँ पे केवल मूवमेंट के डायरेक्शन की बात करेंगे, हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है चार्ज है तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, यदि डिपोलराइज्ड होगा तो नेगेटिव चार्ज है और रिपोलराइज्ड होगा तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हमें यहाँ बात करनी है मूवमेंट्स की। तो जिस मूवमेंट में, जैसे आपका जो गैल्वेनोमीटर है, अगर आपको याद हो तो हमने गैल्वेनोमीटर को क्या करा था, इतना सा हिस्सा लिया था मायोकार्डियल का, मायोकार्डियल का एक पार्ट लिया था, वहाँ पर हमने अपने गैल्वेनोमीटर के दो इलेक्ट्रोड, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करा था। इसके बाद हमने मूवमेंट्स देखा था कि एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हुआ तो चार्ज का कैसा मूवमेंट हो रहा था, तो उसी मूवमेंट्स के बेसिस पे वेक्टर का फॉर्मेशन होता है। तो अब बस वही जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, यहाँ हमें उसको अप्लाई करना है। अब होगा क्या कि मैंने आपको बताया है कि एक्शन पोटेंशियल मीनिंग हम डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सीक्वेंस भी हमने देख लिया। अब इसको देखो जरा, इस डायग्राम को, तो पहले ये जो वेक्टर का फॉर्मेशन है, सबसे पहले आपका एसए नोड फायर करता है। एसए नोड जैसे ही फायर करता है तो आपका ये जो चार्ज्ड है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, आप देखिए जैसे ही ये ऐसे नोड ने फायर करा तो आपका ये डिपोलराइजिंग करंट जो है नेगेटिवली चार्ज्ड, ये मूवमेंट्स करके कहाँ आया, नीचे की तरफ आया। अब इसके पास दो डायरेक्शन होते हैं, पहली चीज तो ये है कि ये पूरे यहाँ पे इसको डिपोलराइज करेगा, प्लस में ये यहाँ पे भी जाता है, तो ये राइट एट्रियम को तो करेगा ही डिपोलराइज्ड, प्लस में ये लेफ्ट एट्रियम को भी डिपोलराइज्ड करता है। तो इसका जो वेक्टर का फॉर्मेशन होता है वो डाउनवर्ड हो रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे नोड था और ये अपने चार्जेस को नीचे की तरफ भेज रहा है। तो आप यहाँ पे राइट और लेफ्ट डायरेक्शन का हमें नहीं याद रखना, हमें याद रखना है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट का, क्योंकि जब अभी मैं आपको ईसीजी बताऊंगी तो बताऊंगी किस तरीके से हम उसके इलेक्ट्रोड का इम्प्लांटेशन करते हैं अपवर्ड साइड एंड डाउनवर्ड साइड। तो आप ये याद रखिए कि ऐसे नोड ने जैसे ही फायर करा तो चार्ज का मूवमेंट हुआ डाउनवर्ड, तो आपका जो वेक्टर का फॉर्मेशन था वो किस तरीके का हुआ, आपका ये वेक्टर स्लो वेक्टर है और प्लस में इसका मूवमेंट है डाउनवर्ड, क्योंकि अब इसको एट्रिया से वेंट्रिकल पे जाना है। फिर ये आपका पहला इवेंट था, सेकंड इवेंट में आपका क्या था, ए बी नोड तक सिग्नलिंग आई थी, लेकिन मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि जो ए बी नोड है वो स्लो कंडक्टर होता है। स्लो कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि ये मान के चलो ए बी नोड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्स होती है वो बहुत छोटी सेल्स होती है ए बी नोड की, तो ये इतनी छोटी सेल्स हैं कि यहाँ का डायमीटर इन सेल्स का छोटा है। अब डायमीटर छोटा होने की वजह से ये पहली चीज़ तो कंडक्टेंस को रेजिस्ट करती हैं,
सेकेंड थिंग इज दैट इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कम है, छोटी सेल से छोटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायमीटर कम है, जिस वजह से इनके पास गैप जंक्शंस भी कम है। अगर गैप जंक्शंस कम होंगे तो डिफ्यूजन भी कम होगा आपका कैल्शियम आयन का, तो उस वजह से भी आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो आपका कम होगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि आप इसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो वो होता है -60, और इसका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है ए बी नोड के लिए और ऐसे नोड के लिए, ए बी नोड के लिए, वो होता है -40। तो इसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये जो पूरा इवेंट है ये स्लो कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ए बी नोड में इतना कम कंडक्टेंस होता है कि ई सी जी उसे सेंस ही नहीं करता, वो सेंस ही नहीं कर पाता कि मूवमेंट का चार्ज का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेक्टर है वो बेसिकली जो भी आपका वेक्टर है वो डिसअपीयर हो जाता है और आपको एक न्यूट्रल लाइन मिलती है, मतलब यहाँ पर आपको कोई वेक्टर नहीं मिलता क्योंकि वेक्टर सेंस कर रहा है चार्ज के मूवमेंट को, और यहाँ पर चार्ज का मूवमेंट एक्शन पोटेंशियल या कंडक्टेंस इतना कम है कि ईसीजी उसे सेंस नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए बी नोड। अब थर्ड जो आपका इवेंट है ये सेकेंड इवेंट हो गया, थर्ड इवेंट ये जो पूरा इवेंट है ये आएगा आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का, ये तीन, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होता है उसमें थ्री टाइप के डीपोलराइजेशन होंगे। पहला हमारा होगा सेप्टम डीपोलराइजेशन, सेकंड होगा हमारा एपिकल या फिर मेजर डीपोलराइजेशन, एंड लास्ट हमारा होगा बेसल डीपोलराइजेशन। तो आपका ये जो सेप्टम डीपोलराइजेशन होगा, अब क्या होगा जो आपके ए वी नोड तक, यहाँ से यहाँ सिग्नलिंग आया ए वी नोड, सिक्वेंस की मैं बात करी, पहले सिक्वेंस में कहाँ आएगा ऐसे नोड फायर करेगा, फिर ए वी नोड पे आएगा, फिर ए वी नोड कहाँ ट्रांसफर कर रहा था बंडल ब्रांचेस में, तो ये आपकी बंडल ब्रांचेस है ये वाली, तो ये आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांचेस है और ये है आपकी राइट बंडल ब्रांचेस। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक। तो सबसे पहले जो डीपोलराइजेशन होता है वो होता है आपकी लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, क्योंकि जो आपकी लेफ्ट साइड की मायोकार्डियल बॉल होती है वो बहुत थिक होती है, इवन 3 times थिक होती है कंपेयर टू राइट हैंड साइड, तो उस वजह से यहाँ पे कंडक्टेंस की कैपेसिटी ज्यादा होती है और यहाँ पे कंडक्टेंस भी ज्यादा होता है। तो पहले आपका ये जो चार्ज है ये यहाँ पे आएगा, जैसे ये पूरा आपका लेफ्ट साइड का जो सेप्टम है वो डीपोलराइज्ड होगा, फिर आपके इस चार्ज का मूवमेंट होगा राइट हैंड साइड की बंडल, ठीक है। तो पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड के सारे बंडल जो है वो डीपोलराइज्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये चार्ज जो है राइट हैंड साइड को मूव करेगा अपवर्ड, क्योंकि ये एरिया जब डीपोलराइज्ड हुआ तो इसको अगर होना है तो ये ऐसे जाएगा चार्ज, तो इसका जो वेक्टर का फॉर्मेशन होता है वो होगा आपका अपवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ होगा, और प्लस में ये फास्ट वेक्टर होता है। ये फास्ट वेक्टर क्यों होता है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बंडल ब्रांचेस की, अब हम नोडल सेल्स की बात नहीं कर रहे, नोडल सेल्स में स्लो कंडक्टेंस होता है ठीक है, लेकिन जितना भी हमारी चाहे बंडल ब्रांचेस हैं जहां हमारी पुरकिंजे सेल्स हैं, जो हमारी मायोकार्डियल सेल्स हैं, वहां पर होता है कंडक्टेंस ज्यादा। तो यहाँ पर जो वेक्टर बनेगा वो फास्ट वेक्टर बनेगा और अपवर्ड बनेगा। अब देखो समझ में नहीं आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन अभी कुछ टाइम बाद समराइज हो जाएगी और जब हम ईसीजी का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना याद रखना है कि वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है। तो ऐसे नोड में वेक्टर का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, दैट्स इट, कैसे है वो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया। ए बी नोड में कोई वेक्टर नहीं है, वेक्टर डिसअपीयर हो गया, क्यों, क्योंकि कंडक्टेंस बहुत कम था, चार्ज का मूवमेंट ही समझ में नहीं आया। थर्ड में हम बात कर रहे हैं अभी सेप्टल डीपोलराइजेशन की, जो हमारी बात हो रही है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन में, पहले है सेप्टल डीपोलराइजेशन, तो यहाँ पर आपका जो वेक्टर है वो बन रहा है अपवर्ड। अब जैसे ही आपका पूरा सेप्टम डीपोलराइज्ड हो गया, अब सेप्टम तो डीपोलराइज्ड हो गया, अब चार्ज का मूवमेंट होगा आपके नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि अब उसको ये पूरा जो एपिकल एरिया है, अब ये पूरा होने के बाद ये अब इसको यहाँ पे डीपोलराइजेशन करना है, ये नेगेटिव चार्ज में बता रही हूँ बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज का ही मूवमेंट डिपोलराइजेशन होता है। तो अब आपने देखा कि ये यहाँ से चार्ज का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, ये जो नीचे का एरिया है ये पूरा डिपोलराइज्ड हो रहा है, चार्ज यहाँ से आए और ये पूरा एरिया जो है इनने डिपोलराइज्ड करा।
तो होता क्या है, जब भी हम इस मेजर डिपोलराइजेशन या एपिकल डिपोलराइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी सारे वेक्टर का फॉर्मेशन होता है। राइट हैंड साइड पे अलग से वेक्टर बनेंगे इस तरीके से, एंड ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर भी वेक्टर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम ईसीजी में इतने सारे वेक्टर्स नहीं बताते, हम क्या करते हैं नेट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब ये नेट वेक्टर क्या है, नेट वेक्टर बेसिकली सम है आपके राइट हैंड साइड के वेक्टर का प्लस में आपके जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वेक्टर है वहां का, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के वेक्टर का, और इनको जब हम सम करके लेके आते हैं तो हमें एक लार्ज वेक्टर मिलता है जो फास्ट वेक्टर है, और ये हमें मिलता है डाउनवर्ड प्लस में लेफ्ट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड क्यों मिलता है, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन करा है जो लेफ्ट हैंड साइड की मायोकार्डियल बाल होती है वो 3 टाइम थिकर होती है कंपेयर टू राइट हैंड साइड। तो ये जो वेक्टर यहाँ पे जो कंडक्टेंस होता है वो फास्ट कंडक्टेंस होता है प्लस स्ट्रॉन्ग कंडक्टेंस होता है, तो उस वजह से जो आपका वेक्टर का मूवमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है और डाउनवर्ड होता है। तो पहला वेक्टर डाउनवर्ड और सेकंड में नो वेक्टर, थर्ड वाला जो वेक्टर था वो अपर साइड था, और जो आपका फोर्थ इवेंट है वहां पर वेक्टर आपका फास्ट बन रहा है लोअर साइड, ये भी फास्ट वेक्टर था अपर साइड, एंड ये जो हाईली फास्ट वेक्टर है लोअर साइड। फिर आपका आता है बेसल डिपोलराइजेशन। अब ये बेसल डिपोलराइजेशन क्या है, अब आपने यहाँ तक तो अपना जो लोअर पार्ट था उसको डिपोलराइज कर दिया, अब ऊपर का डिपोलराइजेशन होना है। तो ऊपर का अगर डिपोलराइजेशन होना है तो क्या होगा कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो अपर साइड मूवमेंट करेगा। जैसे ही अपर साइड मूवमेंट करेगा तो ये जो मूवमेंट है ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है चार्जेस का, आप देख रहे हैं यहां तक हुआ चार्ज, तो ये वाला जो मूवमेंट बना ये कैसा बना, ये जो वेक्टर बने ये भी फास्ट वेक्टर है लेकिन ये है अपर साइड, ठीक। तो आपने देखा कि किस तरीके से वेक्टर का फॉर्मेशन हुआ, पहले हमारे जो चार्जेस का मूवमेंट था वो है पूरा हमारा नीचे की तरफ, पहला वेक्टर हमारा डाउनवर्ड है, सेकेंड इवेंट में कोई वेक्टर नहीं, जो थर्ड सेप्टल डिपोलराइजेशन है वहां पर वेक्टर अपवर्ड है, फिर जो हमारा एपिकल डिपोलराइजेशन है उसमें हमारा डाउनवर्ड एंड फास्ट वेक्टर है, देन हमारा जो लास्ट में बेसल डिपोलराइजेशन है वहां पर जो वेक्टर है वो अपवर्ड है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से वेक्टर का फॉर्मेशन हुआ। अब वेक्टर्स जो हैं आप फॉर्मेशन समझ गए कि डाउनवर्ड से कि अपवर्ड है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पर यही बता देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर ठीक। अब ये देखो ये जो है ये ईसीजी इंटरप्रिटेशन की बात है, ये जो ईसीजी इंटरप्रिटेशन है अब कैसे हम इसको लगाते हैं, कैसे किस तरीके से हम चार्ज का मूवमेंट या फिर जो हमारा डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो होता क्या है, जैसे ये कोई ह्यूमन बीइंग है, अब कोई एबनॉर्मेलिटीज हमें दिख रही है, हमें डिटेक्ट करना है कि बेसिकली जो ईसीजी है उसका किस तरीके से मूवमेंट, किस तरीके से चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है। तो हम दो इलेक्ट्रोड, ये क्या है, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, जो ईसीजी मशीन है बेसिकली गैल्वेनोमीटर। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, सेकेंड जो है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। यार वो जो पिछली स्लाइड है ना मैंने उसमें एक मिस्टेक करी, एक सेकंड मैं आपको जरा बता दूं उसको। पहले यहाँ पर जो ये मैंने वेक्टर बताया है वेक्टर एकदम सही है, लेकिन जो चार्जेस है ना जब हम डिपोलराइजेशन की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है बेसिकली, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन शायद मैं हर जगह नेगेटिव बोल रही थी। तो जब भी हम डिपोलराइजेशन की बात करेंगे मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और जब हम रिपोलराइजेशन की बात करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो कोई इतना तुम वो मत सोचना कि मैं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखो कि जो वेक्टर है वो एकदम सही बताया, बस वो मेरे बोलने में हुआ शायद कि मैंने चार्ज नेगेटिव में बोल रही थी, ठीक। अब आ जाओ यहीं पे, अब हम क्या करने वाले हैं ईसीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो ये जैसे एक मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हमें राइट हैंड साइड के मूवमेंट्स के बारे में पता करना है, प्लस में हमें लेफ्ट हैंड साइड में डिपोलराइजेशन है रिपोलराइजेशन में चार्ज के मूवमेंट के बारे में पता करना है। तो जैसे ये अगर राइट हैंड साइड है तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिया जाएगा एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड की फीट पे लगा दिया जाएगा। तो हमें करना क्या है कि हमें इलेक्ट्रोड ऐसे लगाना है कि एक इलेक्ट्रोड हमारा राइट हैंड साइड पे रहे एंड अनदर इलेक्ट्रोड हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे रहे, जिससे हमारे राइट साइड के भी सारे जितने भी इवेंट्स है वो मेजर हो जाए और लेफ्ट हैंड साइड के जो भी इवेंट्स है वो सारे मेजर हो जाए।
तो इस तरीके से क्या किया है कि ये जो आर्म्स है राइट हैंड साइड की आर्म, यहाँ पर हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड को लगाया है, प्लस में जो फीट है नीचे का लेफ्ट हैंड साइड का, वहां पर हमने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को लगाया। और इस तरीके से निडल के मूवमेंट के बाद ये जो है ईसीजी का ग्राफ बना है। अब ये कैसा बना है इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बना के दिखा देती हूँ। अब जैसे ये हमारा पूरा हार्ट है, जो हमारा राइट हैंड साइड था, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। अब हमें करना क्या है, हमें मूवमेंट देखना है कि चार्ज का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव साइड में हो रहा है कि पॉजिटिव साइड में हो रहा है। तो सबसे पहला जो इवेंट था वो क्या था, एस ए नोड वाला था, कि एस ए नोड ने फायर करा। जैसे ही एस ए नोड ने फायर करा था तो क्या हुआ था, एक्शन पोटेंशियल मूव किया था आपका लेफ्ट हैंड साइड के एट्रियम में प्लस नीचे की तरफ। तो यहां पर जो पहला वेक्टर का फॉर्मेशन था वो कैसा था, डाउनवर्ड था। ये जो है आपका फर्स्ट वेक्टर कैसे बना था, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट डाउनवर्ड था, तो डाउनवर्ड था मतलब आपके जो चार्ज थे वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज डायरेक्शन में। तो हमारी जो निडल है, अगर आपने प्रिंसिपल पढ़ा है बेसिक प्रिंसिपल, तो अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो निडल आपकी पॉजिटिव साइड मूव हो जाती है। तो ये जो अभी आपकी न्यूट्रल है ये आपकी यहाँ मूव होगी। तो जैसे ये यहाँ मूव होगी तो ये तो है आपकी रेस्टिंग फेज। जब रेस्टिंग फेज, जब कोई मूवमेंट नहीं था, तो आपको सिंपली क्या मिला, आपको कुछ नहीं, एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिली, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो रेस्टिंग फेज में। ऐसे नोड ने जैसे ही फायर करा तो वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड है, तो आपका ये जो निडल है ये पॉजिटिव साइड घूमा और ये इस तरीके की एक वेव आपको मिली, क्योंकि ये जो है ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, ये जीरो है और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये आपकी पहली हो गई। अब फिर दूसरा आपका क्या था, दूसरा इवेंट हमारा था एस ए नोड एबी नोड पे। तो एबी नोड में मैंने आपको बताया कि यहां पर अगेन आपकी निडल जीरो ही रहेगी, क्यों, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके का कोई कंडक्टेंस नहीं सेंस करती ईसीजी मशीन, इतना छोटा सा कंडक्टेंस होता है कि सेंस ही नहीं होता। तो उस वजह से आपको ये जो लाइन है ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन कहलाती है, एक आपको प्लेन लाइन मिलेगी। फिर अब जैसे ही ये एबी नोड से आएगा कहां पे, बंडल हिज में आया, तो जब बंडल हिज में आया था तो पहले इसने क्या लेफ्ट बंडल ब्रांचेस को डिपोलराइज करना शुरू करा था, तो वेक्टर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, अपवर्ड हो रहा था। जब वेक्टर का फॉर्मेशन अपवर्ड हो रहा था मतलब जो डायरेक्शन है चार्जेस का वो कहाँ था, नेगेटिवली साइड था, नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव की तरफ है तो क्या है कि ये एकदम से ऐसे नीचे आएगा और अगेन ये न्यूट्रल कंडीशन में जाएगा, और सारे ही इवेंट्स न्यूट्रल से ही शुरू होंगे। जैसे पहले हमारी निडल न्यूट्रल पे थी, ऐसे नोड ने पॉजिटिव की तरफ, ऐसे नोड में जो चार्जेस थे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करे तो हमारा जो हुआ निडल पॉजिटिव में शिफ्ट हुआ, उसके बाद अगेन ये न्यूट्रल पे आया। फिर उसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे एबी नोड में कोई कंडक्टेंस नहीं था, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, फिर हमारा जो मूवमेंट्स है चार्ज का वो नेगेटिव साइड पे हुआ इस तरीके का, क्योंकि वेक्टर जो है वो अपवर्ड था। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, सब समझ में आ जाएगा अभी जब समराइज कर दूंगी, ठीक, अभी ये शुरुआत है। अब ये हमारा थर्ड इवेंट हो गया। फोर्थ इवेंट में क्या था कि हमारी बंडल ब्रांचेस जो है वो डीपोलराइज्ड होना शुरू हुई थी, तो यहाँ पर एक लार्ज वेक्टर बना था अगर आपको याद हो, जिसका जो डायरेक्शन था वो डाउनवर्ड्स था और प्लस में एकदम एक स्ट्रॉन्ग था। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये पॉजिटिव की तरफ इसका मूवमेंट है, तो ये इस तरीके का बनेगा, क्योंकि ये देखो ये इसका जो डायरेक्शन था चार्जेस का मूवमेंट वो पॉजिटिव साइड की तरफ था, तो हमारी जो निडल है वो फास्टली मूव करेगी और पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग वेक्टर था, पॉजिटिव वेक्टर था, डाउनवर्ड मूवमेंट था, तो निडल ने फास्ट मूव करा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करा, तो हमारी इस तरीके की वेव बनी। फिर इसके बाद जो एपिकल जो आपका वेसल डिपोलराइजेशन था, मतलब ये जो लास्ट में डिपोलराइजेशन हुआ, यहाँ पर वेक्टर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, वेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा था आपका अपवर्ड, बाहर की तरफ ऊपर की तरफ हो रहा था। तो मतलब ये जो है ये नेगेटिव की तरफ है, जो आपके जा रहे हैं चार्जेस वो नेगेटिव की तरफ है, तो आपकी निडल नेगेटिव की तरफ मूव करेगी, तो क्या होगा, ऐसे कुछ बन जाएगा, ये वाला बन गया आपका वेव जो है वो नीचे की तरफ आई, तो ये वाला आपका स्ट्रक्चर बना। फिर इसके बाद आता है एक और फिनोमिना, दैट इज कॉल्ड रिपोलराइजेशन। अब मैंने आपको ये वाला जो हमारा पहला वेक्टर है ये बना हुआ है हमारा
एट्रियम डिपोलराइजेशन की वजह से। तो ये वेव है, जैसे मैं इसको लिख दे रही हूँ, ये पी है, क्यू, आर एंड एस। अब इसमें एक और वेव है टी वेव, तो उसको मैं अभी बताती हूँ। तो पहले क्या होगा कि एस एनोड ने फायर करा, यहाँ पर वेक्टर डाउनवर्ड था, निडल हमारी पॉजिटिव की तरफ मूव हुई और ये इस तरीके से बनी एक वेव जिसे कहा गया पी वेव। फिर सेकंड हमारा क्या था, ए बी नोड, जहां पर कोई कंडक्टेंस नहीं था और यहाँ पर हमें आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिली। फिर थर्ड हमारा था सेप्टम डिपोलराइजेशन, और जो हमारा वेक्टर था वो अपवर्ड की तरफ था, निडल ने नेगेटिव की तरफ मूव करा, तो ये नीचे की तरफ एक वेव मिली जिसे हमने कहा क्यू। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा एपिकल डिपोलराइजेशन, जो मेजर डिपोलराइजेशन है, और यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग वेक्टर मिला था जो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा था और निडल जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करी, तो इस तरीके से ये हमें स्ट्रॉन्ग एक वेव मिली जिसका नाम था आर वेव। फिर नेक्स्ट है हमारा एस, एस बनता है हमारे एपिकल बेसल डिपोलराइजेशन की वजह से, और यहाँ पर जो वेक्टर है वो अपवर्ड फॉर्म होता है। तो ये हमने क्या बात कर ली, एट्रियम डिपोलराइजेशन की, ये वाला एट्रियम डिपोलराइजेशन, प्लस में जो हमारे थ्री इवेंट्स है, बेसल, एपिकल एंड सेप्टम डिपोलराइजेशन, ये है हमारे वेंट्रिकल के पार्ट। अब नेक्स्ट हमारा आएगा क्या, हार्ट का जो वेंट्रिकल है उसका रिपोलराइजेशन। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन की हमने बात नहीं करी क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एट्रियल रिपोलराइजेशन है वो एक स्मॉल इवेंट्स होता है। वहां पर होता क्या है कि एट द सेम टाइम आपका वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो पूरा इवेंट दब जाता है और ईसीजी उसको सेंस नहीं करता है। तो ईसीजी थ्री इवेंट्स को सेंस करता है, एक तो एट्रियल डिपोलराइजेशन, देन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो अगर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की बात हो रही है, मतलब मेम्ब्रेन जो अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ चली गई थी, जो डिपोलराइज की तरफ चली गई थी, अब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स जो हैं आपके एक्टिवेट होंगे और मेम्ब्रेन अगेन आपकी रिपोलराइजेशन की तरफ आएगी। तो मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन की तरफ आएगी मतलब कि नेगेटिवली चार्ज्ड होने वाली है वो फिर से। तो मैं आपको बता दूं कि आपका कहां तक, ये आपका जैसे हार्ट था पूरा, तो यहां पे आपका खत्म हो गया था क्या, डिपोलराइजेशन। जब डिपोलराइजेशन खत्म हो चुका है, चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो आपको कौन सी लाइन मिलनी चाहिए, इस तरीके की लाइन मिलनी चाहिए, क्योंकि अब वेक्टर अगेन डिसअपीयर हो गया है। मैंने प्रिंसिपल वाली क्लास में ये बताया था, जब डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन की सिचुएशन बनती है तो वेक्टर कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि चार्ज के मूवमेंट के लिए अब कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर वेक्टर हो गया डिसअपीयर, तो आपको एक मिली स्ट्रेट लाइन। अब आपका एक फिनोमिना शुरू होने वाला है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन में क्या होगा, यहां से शुरू होगा आपका रिपोलराइजेशन, जहां आपका डिपोलराइजेशन खत्म हुआ है। तो रिपोलराइजेशन में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज्ड हैं, ये आपके पहले यहां रिपोलराइज करेंगे, यहां रिपोलराइज करेंगे, और फिर पूरा ये वेंट्रिकल को इनको करना है रिपोलराइज। तो डायरेक्शन कैसा है, यहां से जाके ऐसा है। इसको थोड़ा दूसरे कलर से मैं बता देती हूँ कि यहां से इसका रिपोलराइजेशन होना हुआ शुरू, तो ये इस तरीके से रिपोलराइज होता होता आपके पूरे सेप्टम को रिपोलराइज करता हुआ कहां तक जाएगा, टुवर्ड्स एवी नोड। तो एवी नोड की तरफ ये जा रहा है, यहां से डिपोलराइज्ड करते 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 ये सेप्टम तक पूरा डिपोलराइज्ड कर रहा है। तो आपने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट कहां हो रहा है, नेगेटिव साइड हो रहा है। तो वेक्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा, यहां से चार्ज का मूवमेंट हुआ तो वेक्टर कुछ इस तरीके का बनेगा, आपका इस तरीके का यहां बना, ऐसा कुछ आपका वेक्टर बनेगा जो आपकी सीधा कहां होगा, अपवर्ड होगा। तो जब ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है आपके चार्जेस का, मतलब नेगेटिव चार्ज जब नेगेटिव की साइड जाते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। ये मैंने आपको प्रिंसिपल वाली क्लास में बताया था कि जब नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट नेगेटिव साइड की तरफ जाएगा तो वो बेसिकली क्या बना देंगे, पॉजिटिव। तो जो आपकी निडल है वो नेगेटिव की तरफ ना जाके पॉजिटिव की तरफ जाएगी। जब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही जाते हैं तो निडल पॉजिटिव की तरफ घूमती है, तो आपका इस तरीके की ये जो है वेव बन जाएगी। और जो आपका रिपोलराइजेशन होता है वो बहुत स्लो कंडक्टेंस होता है, उसका स्लो कंडक्टेंस इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स होते हैं, तो स्लो कंडक्टेंस होने की वजह से उसके वेव कुछ इस तरीके से बनेगी, मतलब एकदम फास्ट नहीं होगी, वेक्टर स्लो है तो इस तरीके का बनेगा।
तो ये है आपकी टी वेव। तो अब आप समझ गए पी क्यू आर एस टी। पी आपके एस ए नोड और एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट करती है, क्यू आर एस ये जो आपका है वो वेंट्रिकुलर, ये है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ये है आपका पूरा एट्रियल डिपोलराइजेशन, और ये जो आपकी वेव है दैट इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये तो वेव की बात हो गई। अब इनमें क्या होते हैं, कुछ सेगमेंट्स होते हैं। अब सेगमेंट क्या होते हैं, सेगमेंट बेसिकली होता है आपका एक स्ट्रेट लाइन या आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ है, एक तो स्ट्रेट लाइन आपकी ये है, सेकंड स्ट्रेट लाइन आपकी ये है, तो एक सेगमेंट आपका ये बनेगा। अब ये सेगमेंट कौन सा होगा, इस सेगमेंट का नाम होगा पी एंड आर सेगमेंट। अब इसको पी आर सेगमेंट क्यों कहते हैं, जबकि ये तो पी और क्यू के बीच में है, तो आइडली इसको पी और क्यू सेगमेंट ही कहना चाहिए, लेकिन इसको पी और आर सेगमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपकी क्यू वेव है ये एक छोटी वेव होती है कंपेयर टू आर वेव। तो इसका इंटरप्रिटेशन अच्छे से करने के लिए इसका नाम रख दिया जाता है पी एंड आर सेगमेंट। फिर सेकंड आपका सेगमेंट जो है वो एस और टी के बीच में है, तो ये वाला जो आपका सेगमेंट होगा ये होगा एस टी सेगमेंट। तो दो आपके सेगमेंट हैं। अब इसमें तीसरा टर्म्स आता है दैट इज कॉल्ड इंटरवल। अब ये इंटरवल क्या है, तो इंटरवल होता है एक, जब कोई एक इवेंट कंप्लीट होता है, जैसे अगर मैं आपको कोई कंसेप्ट बता रही हूँ, जब मैं एक कंसेप्ट को खत्म कर लूंगी तो एक छोटा सा इंटरवल होगा, देन सेकंड कंसेप्ट खत्म होता शुरू होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक लाइन खत्म होगी उसके बाद इंटरवल, फिर एक लाइन खत्म हुई उसके बाद इंटरवल, तो ऐसा नहीं होता। तो ये कैसे होता है, जब एक प्रॉपर फिनोमिना खत्म होता है उसके बाद एक इंटरवल शुरू होता है। तो यहाँ पर थ्री फिनोमिना है, ये क्या था आपका, ये था आपका एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। तो जब आपका ये एट्रियल डिपोलराइजेशन खत्म होगा एंड वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन शुरू होगा, तो वो वहां के बीच का जो वो समय होगा वो कहलाता है आपका इंटरवल। तो इंटरवल कौन सा होता है, एक तो होता है आपका पी एंड आर इंटरवल, क्योंकि ये आपके वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, आइडियली अगेन इसको क्यू ही होना चाहिए, लेकिन वही वेव्स जो है ये वाली आपकी लार्ज है तो हम उसकी वजह से इसको डिनोट करते हैं पी आर इंटरवल। तो ये आपका जो पी आर इंटरवल है ये डिनोट करता है आपके एट्रियल डिपोलराइजेशन को। फिर दूसरा आता है आपका क्यू टी। क्यू टी जो है आपका क्यू टी इंटरवल, मतलब यहां से लेके यहां तक की बात करिए, ये आपका बात करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। तो बेसिकली ये दो ही इंटरवल हैं, अभी आपको समझ में आ जाएंगे जब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो होता क्या है कि आपकी टोटल वेव्स कौन सी है, पी क्यू आर एस टी, फिर उसके बाद आपकी सेगमेंट है जो आपकी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, फिर आपका जो इंटरवल है वो आपकी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन प्लस आपकी जो वेव है उनका कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। अब आपको समझ में आया कि ECG का फॉर्मेशन या फिर जो आपकी वेव्स या आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वेव्स का, डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन का, तो वो किस तरीके से होता है। अब देखिए ये डायग्राम के फॉर्म में अगेन मैंने वो इन्फॉर्मेशन दी है आपके रिवीजन के लिए। तो यहाँ पे क्या किया था, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था ECG मशीन का, ये नेगेटिवली चार्ज था। पहला वेक्टर हमारा डाउनवर्ड था जो SA नोड का था, और ये डिनोट कर रहा था एट्रियल डिपोलराइजेशन को, ठीक। और यहाँ पर जब हमने सेंस करा तो निडल जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव हुई थी, क्योंकि जो आपका डायरेक्शन है, देखिए कहाँ करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ है। तो ये आपका वेव का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज पी वेव, और ये एक स्लो वेव थी। यहाँ पर जो वेक्टर का फॉर्मेशन था वो वीक वेक्टर था, स्लो वेक्टर था, क्योंकि जो नोडल सेल्स है वहां पर एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेंस कम होता है कंपेयर टू मायोकार्डियल सेल्स, ठीक। फिर नेक्स्ट जो आपका इवेंट था वो था SA नोड। SA नोड में आपका वेक्टर डिसअपियर हो गया था क्योंकि कंडक्टेंस बहुत कम था, ECG ने सेंस नहीं करा था। तो आपकी लाइन कैसी बनी थी, आइसोक्लाइन लाइन। फिर नेक्स्ट देखेंगे अगर आप, जो थर्ड इवेंट है वो है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, जिसमें टोटल थ्री इवेंट्स थे, सेप्टल डिपोलराइजेशन, मेजर डिपोलराइजेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एपिकल डिपोलराइजेशन, वेसल डिपोलराइजेशन। तो आपका जो पहला था सेप्टल डिपोलराइजेशन, उसमें वेक्टर का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, अपवर्ड हुआ था, मतलब ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा था, तो आपकी जो वेव्स थी वो नीचे की तरफ आई थी, नेगेटिव साइड की तरफ आई थी, और उस वेव को क्या कहा था, क्यू वेव कहा था। फिर नेक्स्ट जो है वो था आपका मेजर डिपोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड एपिकल डिपोलराइजेशन, इसमें वेक्टर का फॉर्मेशन डाउनवर्ड हो रहा था और वेक्टर आपका फास्ट वेक्टर था,
वो कैसे रिप्रेजेंट हमने करा था, आर से रिप्रेजेंट करा था, फिर उसके बाद एस आया था, तो एस जो था वो था आपका बेसल डिपोलराइजेशन, वेक्टर का फॉर्मेशन अपवर्ड हो रहा था, चार्ज का मूवमेंट नेगेटिव साइड की तरफ था, तो नेडल जो है नेगेटिव साइड मूव हुई थी, और आपका जो फाइनली आपको मिला था वो नीचे की तरफ आपको वेव मिली थी, तो ये एस था। फिर नेक्स्ट जो है ये तो एस सी सेगमेंट के बारे में, फिर रिपोलराइजेशन जान लीजिए, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में टी वेव का फॉर्मेशन हो रहा था, तो कैसे हो रहा था कि यहां तक आपके जो चार्ज मूव करे हुए थे पॉजिटिव चार्ज, अब यहीं से डिपोलराइजेशन होना हो गया था शुरू, तो ये नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। तो ये देखिए यहां से आपके नेगेटिव चार्ज जो आपके यहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज, अब इनका मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरा यहां तक आए, तो वेक्टर कैसे, वेक्टर का फॉर्मेशन ऐसे होगा, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे तो वो मिलके हो जा रहा था पॉजिटिव, इसीलिए आपकी जो टी वेव है निडल पॉजिटिव साइड घूमी थी और आपकी अपवर्ड मतलब की जो पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि अगर आपको याद हो ये जीरो था, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरीके से ये टी वेव का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगेन यहाँ पर जो वेक्टर था वो स्लो वेक्टर था, क्यों, क्योंकि रिपोलराइजेशन की प्रोसेस जो है वो स्लो होती है, अगेन फिर ये आइसोक्लाइन लाइन आ गई थी। तो ये पूरा जो है आपका वेक्टर का फॉर्मेशन प्लस में जो ईसीजी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमने कवर किया। अब जरा टाइम ड्यूरेशन के बारे में जान लीजिए, क्या होता है कि जैसे एक कार्डियक साइकिल जो चलती है, जो हम एक सिस्टोल और डायस्टोल की बात करते हैं, मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, उसके लिए टोटल जो टाइम लगता है वो लगता है 0.8 सेकंड का, जिसमें 0.3 सेकंड जो है वो सिस्टोल होता है और 0.5% जो है वो है आपका डायस्टोल। तो ये हम कैसे इंटरप्रिटेट कर पाते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है कि जो डायरेक्शन है वो इस तरीके, जो ड्यूरेशन है टाइम का वो कितना है, तो उसको निकालने का एक तरीका होता है, अगर बहुत टफ नहीं है धीरे धीरे करके समझो तो सब समझ में आ जाएगा। अब आपने देखा कि ये जो है ये क्या है, ये एक ग्राफिक्स है, ठीक है। अब इस ग्राफिक्स में आपको काफी सारे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बॉक्स स्क्वायर शेप के, तो ये जो है ये कहलाता है आपका लार्ज बॉक्स, और उसके अंदर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो है आपके 5 स्मॉल बॉक्स है, अगर यहां से 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 वर्टिकली है एंड 5 हॉरिजॉन्टली जो है प्लेसेस्ड है। तो होगा क्या कि आप इसको ये भी कह सकते हैं, एक जो आपका बिग बॉक्स है उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्स है, दैट्स इट, क्योंकि आपकी ये जो लाइन है ये लाइन कैसे इन्हीं 5 बॉक्सेस में मूव कर रही है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर अगेन 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें इन्हीं बॉक्सेस को काउंट करना है कि जो हमारी पी वेव है वो कितने बॉक्स को क्रॉस करेगी, जो हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो कितने बॉक्स को क्रॉस करेगा, और उसी के थ्रू जो है हम एक ड्यूरेशन पता करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, सबसे पहले जो 300 बिग स्क्वायर है, ये वाले स्क्वायर की मैं बात करी, यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, केवल 4 स्क्वायर मैंने ड्रॉ करे हैं, लेकिन ये होते कितने 5 करे हुए हैं, बाकी ये होते 300, मतलब बहुत लंबा एक पेज है ग्राफिक्स का। तो ये जो 300 बिग स्क्वायर है ये एक मिनट में पास होते हैं, मतलब एक मिनट में जो आपकी ईसीजी मशीन है वो 300 बिग स्क्वायर को क्रॉस कर लेती है। अब 300 बिग स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 60 सेकंड में क्रॉस हुआ, एक मिनट लिख दीजिए या 60, तो आप एक, अगर आपको बिग स्क्वायर को क्रॉस करना है तो 60 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू 0.20 सेकेंड, मतलब एक ये वाला जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये वाला, इसको पूरा क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, 0.20 सेकेंड्स का। अब एक बिग स्क्वायर में मैंने कितना बताया कि 5 स्मॉल स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप दूसरे तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कि 5 स्मॉल स्क्वायर को क्रॉस करने में कितना, 0.20 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो एक स्मॉल स्क्वायर को क्रॉस करने में 0.0, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, ये हमें याद रखना है कि मतलब जो एक स्मॉल स्क्वायर है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, एक स्मॉल स्क्वायर को क्रॉस करने में जो हमें टाइम लगेगा वो कितना टाइम होगा, 0.04 सेकेंड, दैट्स इट।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो हमारी वेव्स है वो कितने जो हमारे बॉक्स है उनको क्रॉस कर रही है। तो पहली वेव क्या है, वो है पी। तो जो हमारी पी वेव है वो एक दो एंड हाफ, मतलब ये टू एंड हाफ जो स्क्वायर है उसको क्रॉस करती है। पी वेव का फॉर्मेशन तब होता है जब टू एंड हाफ स्क्वायर जो है वो प्रॉपरली क्रॉस्ड हो जाए। तो एक स्क्वायर का कितना है, 0.04। तो अगेन एक स्क्वायर का 0.04 और हाफ स्क्वायर का 0.02, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1। तो मतलब जो पी वेव है, पी वेव के फॉर्मेशन में 0.1 सेकेंड जो है उसका टाइम लगना है। क्यों, क्योंकि ये कितने बॉक्सेस को क्रॉस कर रही है, टू एंड हाफ को। फिर पी आर इंटरवल, जो पी आर इंटरवल होता है वो बेसिकली पी वेव प्लस जो आपका सेगमेंट है उसका सम होता है। तो पी आर इंटरवल के लिए टोटल जो सेगमेंट ये क्रॉस करेगा, ये करता है 4 और 5 सेगमेंट को क्रॉस करता है, तो आपका कितना टाइम लगेगा, 0.4 का। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में 0.1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, 0.1 सेकेंड का इसीलिए क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हाफ है ये वाला एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मतलब ये क्या है कि इसने फर्स्ट बॉक्स सेकेंड बॉक्स प्लस में हाफ बॉक्स, टू एंड हाफ बॉक्स को क्रॉस करा, तब जाके आपका क्यू आर एंड एस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी कितना होगा आपका, 0.1 सेकेंड होगा। और क्यू टी इंटरवल जो है उसका 0.5 से 0.7 तक होता है, 0.4 से 0.5 सेकेंड तक का होता है। हाँ, तो 5 ही और 3 × 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है टाइम ड्यूरेशन, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको याद बस कितना रखना है। आप तो इतना याद रखिए कि आपकी जो पी वेव है उसमें 0.1 सेकेंड का टाइम है, फिर जो आपका इंटरवल है उसमें 0.2 का है, और बाकी जो आपका क्यू आर एस सेगमेंट है उसमें भी 0.1 का है, और जो क्यू टी इंटरवल है उसमें 0.4 या 0.5 सेकेंड्स का जो है टाइम लगता है। अब ये कैसे जस्टिफाई होगा, टोटल साइकिल जो है 0.8 की है। तो अगर आप एट्रियल डिपोलराइजेशन की बात करें, ये जो पी वेव है वो बेसिकली क्या दिखा रही है, एट्रियल डिपोलराइजेशन को दिखा रही है। तो यहां पर आपका कितना टाइम लगा था, यहां पर आपका लगा 0.1 सेकेंड का एट्रियल डिपोलराइजेशन में। फिर आप बात करिए वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की, अगर आप वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की बात करें तो यहां पर भी पूरा टाइम लगा था 0.1 सेकेंड का। फिर जैसे ही आपकी अब दो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन भी तो हैं, और यहां से आपका शुरू हो रहा था क्या, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन क्या, क्यू टी इंटरवल है आपका, यहां से शुरू होकर आपके यहां तक जाया, तो जहां पर आपका 0.4 से 0.5 सेकेंड लग रहा था। तो इस तरीके से 1 और 1, 2 एंड आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को जोड़ के 0.3 एंड 0.5, तो ये हो गया 0.8 टोटल। तो समझ में आ जाए ठीक है, ना समझ में आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ये प्रॉपर कैलकुलेशन मैंने इसीलिए बताया कि आपको याद रहे कि कैसे कैसे इनको सम किया जाता है, कितने कितने बॉक्सेस का क्या क्या टाइम ड्यूरेशन है क्रॉस करने का। आपको याद बस इतना ही रखना है कि पी वेव का क्या है, पी आर इंटरवल का क्या है, क्यू पी एस कॉम्प्लेक्सेस का क्या है, और क्यू टी सेगमेंट का क्या है, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात कर ले रहे हैं वेव्स के बारे में। अब मैं इसको आपको रिवाइज्ड भी करा देती हूँ और एक बार बता देती हूँ। तो टोटल आपकी कितनी वेव्स थी, तो पी था, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था एंड टी वेव था, जिसमें आपकी पी आर एंड टी वेव थी वो पॉजिटिव वेव थी जिसका डायरेक्शन जो है अपवर्ड था, और जो आपका क्यू आर वेव था वो नेगेटिव वेव था। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है। अब हम इसी डायग्राम को आगे लेके बात करेंगे और ये सारा डायग्राम आपको एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारा एट्रियल डिपोलराइजेशन है, ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है, और ये जो है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन है। पी वेव डिनोट कर रही है एट्रियल डिपोलराइजेशन को, क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है, ये है आपका सेप्टम डिपोलराइजेशन। फिर सेप्टम के बाद क्या था, सेप्टम के बाद था एपिकल मेजर डिपोलराइजेशन, फिर क्या था, बेसल डिपोलराइजेशन। तो ये हो गया, फिर ये आपका वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन है, और फिर मैंने सेगमेंट के बारे में बताया था, तो जो आपका पी आर सेगमेंट था वो बेसिकली ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन थी, जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो स्ट्रेट लाइन थी वो आपके सेगमेंट्स होते हैं, एक पी आर सेगमेंट था और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, तो ये एस टी सेगमेंट है।
फिर इसके बाद पीआर इंटरवल क्या है, आपकी पी वे प्लस में आपका जो पीआर सेगमेंट है वो आपका पीआर इंटरवल है जो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को डिनोट करता है। एंड सेकेंड इंटरवल जो है वो आपका क्यू एंड टी इंटरवल है, और ये आपका जो क्यू एंड टी इंटरवल है वो बेसिकली वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन को डिनोट करता है, मतलब वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल को डिनोट करता है। तो ये तो हमारी वेव्स की बात हो गई। सेकंड हमारा क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइंस हैं जिनमें कोई वेव्स नहीं इंक्लूड करी जाती। तो यहाँ पर पीआर सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। एंड टू टाइम इंटरवल्स है जिसमें आपकी एक तो वेव्स इंक्लूड रहेगी एंड सेकेंड आपकी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन रहेगी। तो कौन कौन से इंटरवल्स होते हैं, एक तो आपका पीआर इंटरवल है एंड क्यूटी इंटरवल है। जो पीआर इंटरवल है वो डिनोट करता है आपका एट्रियल डिपोलराइजेशन को, और जो आपका क्यूटी इंटरवल है वो वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल को डिनोट करता है, मतलब जिसमें वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन दोनों आते हैं। अब एनालिसिस ऑफ नॉर्मल ईसीजी वेव, अब मैं बता देती हूँ एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी पी वेव है वो क्या बता रही है, एट्रियल डिपोलराइजेशन को। अब ये मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख दिया है कि जैसे अगर आपसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो आप इस पूरी लैंग्वेज को पढ़ के भी उनको समझ जाएंगे। जो पी वेव है प्रोसीड एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, अब एट्रियल चाहे कॉन्ट्रेक्शन कह दीजिए या डिपोलराइजेशन कह दीजिए। फिर क्या है, एट्रियल रिपोलराइजेशन अगर एट द सेम टाइम विद द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। क्या है कि मैंने आपको बताया कि जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शुरू होता है एट द सेम टाइम आपका जो एट्रिया है वो रिलैक्सिंग स्टेज में चला जाता है, लेकिन ईसीजी उसे इसीलिए सेंस नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है उसमें जो वेव्स का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है वो बहुत इनलार्ज्ड है। उस वजह से जो आपकी छोटी छोटी वेव्स का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग एट्रियल रिपोलराइजेशन वो सारा इफेक्ट जो है दब जाता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से। तो वो यहाँ लिखा है, व्हाट द सेंस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेव इज जायंट, इट मास्क द एट्रियल रिपोलराइजेशन वेव। पी क्यू आर कॉम्प्लेक्स क्या है, वो बेसिकली आपका है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, जिसमें क्यू वेव है जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम डिपोलराइजेशन को बताता है, जो आर वेव है वो मोस्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर जो बॉल है या फिर जो मेजर डिपोलराइजेशन है वो है, और जो एस वेव है वो बेस पे बताती है, दैट इज कॉल्ड बेसल डिपोलराइजेशन, जो हमारी अपर वेंट्रिकल की सीधी लास्ट बेस लाइन थी उसके डिपोलराइजेशन को बताती है। एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस जो है रिकॉर्डेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होता है उसके पहले कॉन्ट्रेक्शंस के पहले जो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और ये अगेन वही डायग्राम है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो आपका पी वेव है वो आपका एट्रियल डिपोलराइजेशन है, जो आपका क्यू है वो है आपका इंटरसेप्टर डिपोलराइजेशन, आर जो है वो है आपका मोस्ट या फिर एपिकल मेजर डिपोलराइजेशन, और जो एस है दैट इज वेसल डिपोलराइजेशन। अब हमें और वेव्स के बारे में, नेक्स्ट क्या है फिर हमारा है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, जो आपकी टी वेव होती है। यहाँ पर ये वेव जो है वो कैसी थी, एकदम स्लो थी, यहाँ पर वेक्टर का फॉर्मेशन भी बहुत स्लो हो रहा था, और कैसा हो रहा था, अब बर्ड हो रहा था। तो टी वेव जो है ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ सिस्टोल बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डायस्टोल एंड रिकॉर्डेड टू द ऑनसेट ऑफ सिस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स्ड, जब कंप्लीट वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन होता है उसके पहले जो वेव का फॉर्मेशन होता है वो आपकी टी वेव होती है, जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये एक और वेव होती है जिसे बेसिकली यू वेव कहा जाता है, और ये इन जनरली दिखती नहीं है ईसीजी में, लेकिन समटाइम ये दिखती भी है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो आपकी पेपिलरी मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन, बेसिकली उनके रिलैक्सेशन की वजह से होता है। तो जैसे ही आपका वेंट्रिकल रिलैक्स्ड करता है एट द सेम टाइम जो आपकी पेपिलरी मसल्स है वो भी रिलैक्स्ड करती हैं, और एक वेव का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड यू वेव। और ये जो यू वेव होती है वो आपकी टी वेव को फॉलो करते हुए इस डायरेक्शन में होती है। तो कभी कभार ये दिखती है, नॉट ऑलवेज सीन, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत लिमिटेड से क्वेश्चंस ही आते हैं, ये बस आपके नॉलेज के लिए है। तो आप ये समझिए पी क्यू आर एस एंड टी वेव, इन्हीं को आपको याद रखना है, पी एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एंड टी जो है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन।
अब सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो पहला सेगमेंट क्या है, दैट इज पीआर सेगमेंट। तो जो पीआर सेगमेंट है वो कहाँ से कैलकुलेट करा जाता है, अब डायग्राम देखो। पहले तो एट द एंड ऑफ पी वेव और स्टार्टिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस, तो वो ही ऐसे लिखा है एट द एंड ऑफ पी वेव एंड द बिगिनिंग ऑफ आर वेव। अब आर वेव हमने इसको क्यों कहा है, क्योंकि मैंने बताया बहुत छोटी वेव होती है और इसका जो इनलार्जमेंट है ये बहुत ज्यादा है, रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम इसको क्या कह देते हैं, पी एंड आर सेगमेंट। फिर नेक्स्ट जो है टाइम इंटरवल फ्रॉम द एंड ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन टू द इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये जो सेगमेंट है वो क्या बता रहा है, ये जो आपकी पी वेव है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन है, तो एंड ऑफ डिपोलराइजेशन एंड स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को डिनोट करता है। इट रिप्रेजेंट द डिले एट द एसए नोड, ये भी बात है कि ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन थी इसको बिल्कुल मत भूलना, ये किस वजह से फॉर्म हुई थी, क्योंकि जो एसए नोड है ऐसे नोड में कंडक्टेंस इतना कम था कि जो निडल है उसने सेंस ही नहीं करा था, और जब निडल ने सेंस नहीं करा था तो निडल न्यूट्रल पोजीशन पे आ गई थी, जीरो पोजीशन पे आ गई थी, और यहाँ पर आपका क्या फॉर्मेशन हुआ था, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन का। फिर नेक्स्ट सेगमेंट जो है दैट इज एस टी सेगमेंट। अब डायग्राम में देखो पहले एस टी सेगमेंट कहाँ से कहाँ की बात हो रही, ये वाला प्लस ये वाला, तो ये क्या है, यहाँ पर डिपोलराइजेशन खत्म हुआ और रिपोलराइजेशन शुरू हुआ, तो ये बताता है कहां से कहां का, फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव एंड एट द बिगिनिंग ऑफ टी वेव। बिल्कुल, जो आपका एस वेव है वो बेसिकली क्या बता रहा है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का खत्म होना, और बाकी का आपका जो टी वेव है वो बता रहा है इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो वो ये है कि ड्यूरिंग द सेगमेंट ऑल द वेंट्रिकल मसल्स आर कम्प्लीटली डिपोलराइज्ड, बिल्कुल एंड हो चुका है, कम्प्लीट डिपोलराइज्ड हो गई, अब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन खत्म होने वाला है। नो एक्शन पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन दिस एरिया एंड मायोकार्डियल एट द रेस्टिंग स्टेज, तो ये मैंने बताया था जैसे ही आपका वेंट्रिकुलर फुल्ली डिपोलराइज्ड होगा तो चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, और ये जो लाइन है ये बेसिकली रेस्टिंग लाइन है, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, निडल न्यूट्रल पोजीशन पे आ गई है और अब जो है आपको एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मिल गई है। इट इज रफली करस्पोंड टू द प्लेटू फेज ऑफ वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, तो मैंने पहले भी मेंशन कर दिया कि ये जो लाइन है ये एक्शन पोटेंशियल को भी डिनोट करती है, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइन है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, और ये जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है रिपोलराइजेशन है इनको कलेक्टिवली कहा जाएगा एक्शन पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरवल के बारे में, पहला इंटरवल क्या है, पीआर इंटरवल, और पीआर इंटरवल, इंटरवल मतलब क्या है, एक फिनोमिना एक इवेंट खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे आपका सेगमेंट भी आप इंक्लूड करेंगे प्लस में आप वेव भी इंक्लूड करेंगे, तो पहले क्या है आपका पीआर सेगमेंट, तो ये जो सेगमेंट है ये आपका पीआर सेगमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या पीआर इंटरवल, सॉरी ये वाला जो है ये पीआर इंटरवल होगा जिसने कंसीडर करा है आपकी पी वेव को प्लस आपके पीआर सेगमेंट को, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइम पीरियड मेजर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव जिसे कहते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन टू द स्टार्ट ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन ऑफ डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और पी वेव जो है एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड जो पी आर सेगमेंट है नोटेड ए वी नोड डिले। तो बेसिकली अगर आप दूसरी लैंग्वेज में इसको ये भी कह सकते हैं, जो आपका पी आर इंटरवल है वो क्या क्या है, एक तो आपका एट्रियल डिपोलराइजेशन प्लस डिले कंडक्टेंस ऑफ ए वी नोड, एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड डिले कंडक्टेंस ऑफ ए वी नोड। नेक्स्ट जो इंटरवल है वो क्या है, वो है आपका क्यूटी इंटरवल। तो क्यूटी इंटरवल में क्या क्या है भाई, देख लो, क्यूटी इंटरवल मतलब इस इंटरवल की बात हो रही, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, मतलब कलेक्टिवली ये वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करता है क्यूटी इंटरवल। तो क्या होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड द एंड ऑफ द टी वेव दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो यही है क्यू टी इंटरवल, ये क्या क्या इंक्लूड्स करे रहता है, क्यू आर एस सेगमेंट्स के बारे में, टी वेव्स के बारे में, रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, द टोटल टाइम नीडेड फॉर द डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। तो क्या है, क्यू टी सेगमेंट बेसिकली वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन।
अब ये एक समरी है, मैंने टेबल फॉर्म में आपको लिख दिया था पी वे क्यू आर एस टी, तो ये आपको याद करने के लिए या रिवाइज करने के लिए, तो आप इसको याद या रिवाइज कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं पी क्यू पी वाई क्यू की प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप ये पहला क्वेश्चन देखिए पहले। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो और दो मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लो, खुद से करने की कोशिश करो। अगर नहीं होगा तो उसके बाद तो मैं करवा ही दूंगी, लेकिन अभी एक बार आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल इससे क्वेश्चंस नहीं आते, एकदम बिल्कुल नाम के बेसिस पे जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, और वो ही क्वेश्चंस ही ऐसा यार आपसे पूछता भी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है अब मैं बताती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, द एस बी ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन ईसीजी ओरिजिनेटेड ड्यू टू, एस बी क्या था। अब मैं आपको इसको बता देती हूँ डायग्राम से, जिससे आप पी क्यू आर एस, ये मैंने कुछ इस तरीके का रफ डायग्राम बनाया, एग्जैक्ट नहीं बताया बस आपको दिखाने के लिए। पी क्या था, पी था एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यू आपका क्या था, ये पूरा आपका क्या था वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, उसमें ये क्या था सेप्टम वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, आर क्या था एपिकल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जिसे मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कहा जाता था, एस क्या था, एस था आपका बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और इसमें हो क्या रहा था कि जैसे ये आपका ये आपके वेंट्रिकल्स है, ठीक है, और यहां पर जब हम डिपोलराइजेशन की बात कर रहे थे अपर सरफेस में, तो ये हमारा बेसिकली क्या था, ये हमारी एस वेव को डिनोट करता था। तो क्वेश्चन पूछा गया है सेप्टल, जो आपके ऑप्शंस है उसमें क्या है सेप्टल एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, सेप्टल या लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, सेप्टल डिपोलराइजेशन बेसिकली डिनोट होता है आपकी क्यू वेव के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, लेट डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द एवी जंक्शन, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये स्टेटमेंट आपका इसीलिए सही है क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि ये लेट डिपोलराइजेशन है वेंट्रिकल का बिल्कुल, क्योंकि पहले डिपोलराइजेशन यहाँ होगा फिर सेकंड, और ये जो थर्ड या जो लास्ट स्टेज है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वही है जो लेट डिपोलराइजेशन भी है, एकदम सही। और इसमें जो आपके चार्ज का मूवमेंट है वो बेसिकली कहाँ अपर साइड होता है, अपर साइड मतलब यहाँ पे ही था ना आपका ये भी नोड, तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट टू राइट सेप्टम, अगेन सेप्टम डिपोलराइजेशन, ये स्टेटमेंट फिर गलत हो गया। रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, ये तो हमें ईसीजी में दिखता ही नहीं है भाई, रिपोलराइजेशन हमें काय का दिखता है, रिपोलराइजेशन हमें दिखता है केवल वेंट्रिकल का, एट्रियम का तो रिपोलराइजेशन दिखता ही नहीं, तो उस कायदे से कौन सा आंसर हमारा बी जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, इसका आंसर भी बी है। और ये एक्सप्लेनेशन है जो आपको पढ़ने के लिए मैंने लिखा है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करो। इसमें हमें चूज क्या करना है, इसमें हमें चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंट वेव फ्रॉम द नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्टिव आर शोन बिलो। तो इसमें बेसिकली आपके लिए पूरा ये डायग्राम दे दिया है। अब वो पूछ रहे हैं कि हमें बता दीजिए पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है, टी, ये तो अब बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने इतनी बार आपको बता दिया है कि पी क्यू क्या है, तो इसमें तो मुझे सॉल्व कराने की भी जरूरत नहीं, ऑल दो मैं सॉल्व करा देती हूँ। तो होगा क्या कि हम इस ग्राफ को देखते हैं। अब पहला क्या है, पी वेव आर अकर ड्यू टू द डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, एकदम सही बात है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ए जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड क्या है, द एट्रियल रिपोलराइजेशन इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टी वेव,
एट्रियल रिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन तो ईसीजी मशीन में था ही नहीं, एट्रियल डिपोलराइजेशन था, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन था एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन था। तो आपकी जो टी वेव है वो बेसिकली क्या थी, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन थी। तो ये जो बी स्टेटमेंट है ये क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये वाला मतलब हमारे काम का है। फिर क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ये भी एकदम सही बात है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए है। और नेक्स्ट जो है, जो क्यू टी इंटरवल है आपका, क्यू टी इंटरवल इंडिकेट द प्लेटो पोर्शन ऑफ द ऑरिकुलर एक्शन पोटेंशियल। तो ये आपका गड़बड़ स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जो क्यू टी सेगमेंट है वो आपका है वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। जो क्यू टी है वो कलेक्टिवली बताता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बारे में, रिपोलराइजेशन के बारे में। तो इस तरीके से हमारे काम के स्टेटमेंट कौन से हैं, स्टेटमेंट वी एंड स्टेटमेंट डी। तो आपका जो ये वाला है ऑप्शन डी, वो ऑप्शन सही होगा। तो आपने देखा, मतलब आप जब भी कभी एनिमल फिजियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, ये कह दे रही हूँ अब से, कोई भी क्वेश्चन देखे, चाहे आप ग्राफिक्स का क्वेश्चन देखें, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन देखें, तो डरने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चंस क्या ना बहुत बड़े देते हैं, लेकिन उनके जो आंसर्स या ऑप्शंस है उतने ही सिंपल होते हैं। वो परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आपने प्रॉपर पढ़ा है, अगर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद है, तो आप ये मान के चलिए कि आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका जो आंसर है वो डी है, और इसी जो मैंने आपको बताया है इसी से आप सब सॉल्व कर लेंगे कि पी वेव क्या था। और ये देखो, ये यहाँ से क्यू टी इंटरवल था जो बेसिकली आपके डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन को बता रहा है वेंट्रिकल्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, टी वेव जो है, जो आपका टी वेव है वो क्या इंडिकेट करता है। अब तो आप लोग होशियार हो गए, ये तो बता देंगे टी वेव क्या था। टी वेव क्या था, टी वेव था हमारा बेसिकली वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के बेसिस पे, ठीक। तो आपका एट्रियल डिपोलराइजेशन मतलब कि पी वेव था, फिर आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था, फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मीनिंग टी वेव था, एट्रियल डिपोलराइजेशन। अच्छा, ये दोबारा भी स्टेटमेंट यही दे दिया, तो ये सी ही हमारा है। तो इसके साथ में ये एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, और ये डायग्राम भी है, तो इस डायग्राम के थ्रू आपका पूरा जस्टिफिकेशन हो जाएगा। चलो जरा अब इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है और हमें मैच करना है। तो अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, कि जैसे ही हम देखेंगे कॉलम ए में, तो आप कॉलम ए में पहले उस तरीके के स्टेटमेंट या उस तरीके के सेंटेंस को पिकअप कर लीजिए जो थोड़ा सा सिंपल है। जैसे अगर आप सेगमेंट और इंटरवल में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन तो आपको एकदम याद होगा। तो सबसे पहले यदि आप क्यू आर एस ड्यूरेशन या कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो क्यू आर एस बेसिकली क्या डिनोट करता था, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। आपकी ये बात खत्म हो गई। अब जो आपका पीआर इंटरवल था, पीआर इंटरवल बेसिकली क्या था, जो आपका पीआर इंटरवल था उसमें पी आपकी वेव आ रही थी, प्लस में जो आपकी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन थी जो आपकी एबी नोड के डिले कंडक्टेंस की वजह से थी वो आ रही थी। तो ये क्या है, ये केवल रिस्पॉन्सिबल है आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन के लिए, जो आपका पीआर इंटरवल था। जो आपका क्यूटी है, क्यूटी आपका लास्टली, क्यूटी आपका एक बड़ा वाला इंटरवल था, इस डायग्राम के थ्रू समझ लो। यहाँ पे ये देखो, ये जो क्यूटी है तो ये क्या बता रहा था, वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल को बता रहा था। एक्शन पोटेंशियल मतलब डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन जब दोनों होंगे, अगर हमें नहीं कहना है डिपोलराइजेशन रिपोलर, हम कलेक्टिवली कह लेते हैं एक्शन पोटेंशियल। और एस टी जो है वो, एस टी क्या है, एक प्लेटो फेज है। ये वाला था आपका एस टी सेगमेंट, ये वाला और ये वाला। तो ये जो आपका ST सेगमेंट है वो प्लूटो पोर्शन है बिटवीन द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये डिपोलराइजेशन है, रिपोलराइजेशन है, उसके बीच में ये बना हुआ था। तो ये आपका एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल का ही प्लेटो फेज है। तो इस तरीके से आपने ये भी सॉल्व कर लिया, और कितना सिंपल सा था, और इसका आंसर भी बी ही है। तो बी में वही था फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तो आप समझ ही गए।
ठीक। तो इस तरीके से ये सारे हमारे बेसिक से क्वेश्चंस थे जो आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे, और आपने देखा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं पूछे जाते। रीज़न ये है कि जो हमारी कार्डियक फिजियोलॉजी है उसमें इतने बढ़िया बढ़िया मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए CSIR का क्वेश्चन पेपर, नहीं इतने टिपिकल क्वेश्चंस आते अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। तो करना क्या है आपको, अगर आप नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो अगेन इस लेक्चर को फिर से देख लीजिए। इसमें तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके वेक्टर का फॉर्मेशन, फिर आपका एक्शन पोटेंशियल का जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से होगा, फिर आपकी PQR जो आपकी वेव्स है वो किस फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके सेगमेंट आपके इंटरवल किस फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप सिंपली उसको ट्यूबुलर फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, और मैंने पूरी डेप्थ में मैकेनिज्म भी बता दिए, तो आप बस सिंपली इसको रिवाइज कर लीजिए और रिकॉल कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम मैकेनिकल इवेंट्स अब शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके लिए ये वीडियो कहीं से भी लग रहा है कि हाँ हेल्पफुल है, आपके सारे डाउट क्लियर है, तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी आपकी क्वेरीज है, अगर आपको कोई भी पोर्शन नहीं समझ में आया, कंसेप्ट नहीं समझ में आया, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी कार्डियक साइकिल पर रहेगी, तो उसमें हम डिटेल में कार्डियक साइकिल को डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिकॉल करते रहिए एंड रिविज़न करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।